आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी नेडा सम्मेलन में, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। नेडा के अंदर कई सारी पार्टियां हैं, क्योंकि राज्य छोटे हैं, पार्टियां भी छोटी है, मगर नेडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनडीए की 15 राज्यों में सरकार है। मगर मैं सभी दलों के नेताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेडा में अस्तित्व आप जितना ही होगा, आपसे कम महत्वपूर्ण नहीं होगा, ना आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सभी पार्टियां जो नेडा के अंदर सम्मिलित है, इन सबको भारतीय जनता पार्टी के बरोबर महत्व नेडा के अंदर मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। नेडा की स्थापना के पीछे बहुत सारी चीजें सोची गई हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं मित्रों, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश, शायद ही दुनिया में कहीं हो ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य नॉर्थ ईस्ट को मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म को आकृष्ट करने की अगर कहीं पर ताकत पड़ी है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ी हुई है। होनहार युवा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, और पूरे भारत में प्रति व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन किसी एक रीजन के पास है, तो नॉर्थ ईस्ट के पास है। मतलब संपत्ति लाने के लिए सारी चीजें यहां पर उपलब्ध है, मगर आजादी के 68 साल के बाद भी नॉर्थ ईस्ट का विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। आज देश के कई हिस्से कहीं बहुत आगे निकल गए विकास की दृष्टि से, मगर नॉर्थ ईस्ट विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। और इसका कारण है घुसपैठ, अलगाववाद की कहीं कहीं मुहिम चली, और भारत सरकार जो भी रही उसने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। आज जो नेडा बना है, वो नेडा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक राजनीतिक संगठन के नाते नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ एक रस करने की महत्वपूर्ण भूमिका नेडा निभाने वाला है, ये मैं स्पष्टता के साथ दे सकता हूं। पूर्वोत्तर का कोई भी युवा जाए, केरल जाए, महाराष्ट्र जाए, दिल्ली जाए, उसको कभी न लगे कि मैं कहीं और आया हूं। इस तरह की एक रस नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ करने की भूमिका लेकर नेडा आगे बढ़ने वाला है। सारे के सारे प्रदेश सीमांत प्रदेश है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट कभी खतरा न हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा भी ये नेडा के माध्यम से जन जागृति लाकर एक राजनीतिक आंदोलन कर नेडा आने वाले दिनों में करने वाला है मित्रों। और विकास, विकास के लिए भी सारी समस्याओं का जवाब अंततोगतः विकास में है। विकास के लिए हाटी से नेडा सम्मेलन का सीधा प्रसारण